से बैठे रहेंगे शांति से और चलिए तालियों की जगह हम स्वागत जी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं जो खगड़िया से आए हुए हैं तो इनको सम्मानित करेंगे हमारे युवा साथी सौरभ कुमार जी वो आवे और इनको मैं वैश्य समाजों के प्रति सदैव ही संवेदनशील रहा कभी भी भक्त को जब भी भक्त आया इनकी सेवा करने का इन पर कोई भी समस्या हुआ मैं पदाधिकारी के रूप में भी हमेशा इनकी मदद करता रहा। आज इस सभा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आबादी 25% है और हमारे अध्यक्ष महोदय ने इस आबादी को एकजुट करने का जो प्रयास किया है अपने दल के साथ इसके लिए ये मैं इसका इंतजार से आभार व्यक्त करता हूँ। चौथी शताब्दी में 300 कुछ में हमारा वैश्य समाज का राजा हुआ, साम्राज्य स्थापित हुआ जिसमें एक से एक प्रतापी राजा हुए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अश्कंदगुप्त, सारे गुप्त साम्राज्य के लोग। उस समय वैश्य एक था। मेरे कहने का मतलब ये कहानी कहने का मतलब एक था, कहने का मतलब यह है कि वैश्य एक था, इसकी कोई प्रजाति नहीं थी, सभी लोग वैश्य थे। छठी शताब्दी के बाद जब वैश्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ तो उस समय कुछ तथा कथित सामंतवादी ताकत, किसी जात पर हम प्रहार नहीं करना चाहते हैं, सामंतवादी ताकत था, समझ लीजिए कौन थे। रावण जो था जब उनका वध हुआ, भगवान राम बाण मारे थे तो लक्ष्मण जी को राम ने कहा जाओ तुम इनसे शिक्षा लो, तो गए शिक्षा लेने के लिए। रावण ने कहा सुनो लक्ष्मण, हम वैसा विद्वान व्यक्ति हैं और वैसा सच्चा व्यक्ति हैं, लेकिन हमसे एक गलती हुआ जो हम अपने भाई को अपने राज से अलग कर दिया, इसलिए तुम अपने भाई से कभी अलग नहीं होना, इसलिए तुम्हारा राम हमको बाण मार दिया, हमारा भाई हमारे साथ नहीं था और तुम अपने भाई राम के साथ था, इसलिए तुम्हारा राम ने हमको बद्ध कर दिया। सकते हैं कि आपकी उपस्थिति, हम लोग तो चले थे अकेले ही लेकिन आप सभी कारवा इसे बना दिए, ये ताकत आप हिम्मत ना हारेंगे, हमारी महिला बहन भी हिम्मत ना हारेंगे और ये काम जितना महिला अपनी ताकत से करती है, मन से करती है, दिल से करती है, शायद पुरुषों का सहयोग उसमें आधा होता है और अगर उनका पूरा सहयोग मिले तो वह पूरी तरह काम करेगी। और हम पर अत्याचार होना स्वतः रुक जाएगा, इसके लिए कहीं कोई पैरवी करने की जरूरत है नहीं है। आगे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि हमारी आबादी जो लगभग 25% है, 24.5% है पूरे बिहार में, और जिस दिन वैश्य समाज संगठित हो जाएगा बिहार का सत्ता का बागडोर वैश्यों के हाथ में होगा, यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा वो वैश्य डिसाइड करेगा, दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा। सोना एवं चांदियों का हॉलमार्क जेवर का शोरूम, पता न्यू गोपाल ज्वेलर्स, थाना रोड, खगड़िया।